कांग्रेस की नई ट्रबल शूटर प्रियंका गांधी। हिमाचल की जीत से बढ़ा प्रियंका का कद। अब कांग्रेस में बदलेगी प्रियंका गांधी की भूमिका। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की नई ट्रबल शूटर के रूप में उभरी हैं? क्या प्रियंका गांधी अब कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन का काम संभालेंगी? उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रहते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद प्रियंका गांधी लंबे समय तक हाशिए पर रही, एक तरह से पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज से दूर रहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव की बागडोर संभालने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने राज्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 68 में से 40 सीटें जीत ली, उसने सबको चौंकाया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये रही कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव बगैर किसी संकट के हो गया। कई बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह की पत्नी और बेटे इस पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन ये कुर्सी मिली किसी और को, और वो भी बिना किसी विवाद के। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के इन दोनों के ही कारनामों के पीछे प्रियंका गांधी थी और इसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। प्रियंका गांधी ने इसके कुछ दिन पहले ही पार्टी को एक और बड़े संकट से तात्कालिक रूप से ही उबारा था, वो था राजस्थान का संकट। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी थी। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ एक होटल में जा बैठे थे और ऐसा लगता था कि अब बस पार्टी टूटने ही वाली है। समझा जाता है कि प्रियंका गांधी ने उस नाजुक घड़ी में पार्टी को संभाला था और पायलट को समझा बुझाकर रोका था। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अशोक गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटने के बाद प्रियंका गांधी ने ही दिग्विजय सिंह को राजी कराया था कि वो नामांकन भरने के लिए तैयारी करें ताकि गहलोत को सही संकेत दिया जा सके। दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र ले लिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उस पद के लिए मल्लिका अर्जुन खड़गे को उतारने का फैसला किया और तब दिग्विजय सिंह ने उनका समर्थन कर दिया और नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। इसी तरह पंजाब कांग्रेस में संकट को सुलझाने में भी प्रियंका गांधी ने खास भूमिका निभाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पद से हटने को राजी नहीं थे और तत्कालीन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उन पर लगातार हमले कर रहे थे। ऐसे में प्रियंका गांधी के समझाने बुझाने या दबाव डालने के बाद ही अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर जब एक बार कांग्रेस में शामिल होने वाले थे तो उन्होंने पार्टी के कामकाज में बदलाव के लिए एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने उसमें प्रियंका गांधी को कोऑर्डिनेशन का काम संभालने की सिफारिश की थी। ये पद कांग्रेस महासचिव से ऊपर था और अध्यक्ष के ठीक नीचे था। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद प्रियंका गांधी का कद यकायक बढ़ गया है। इस जीत ने उत्तर प्रदेश में पार्टी की नाकामी से मिली बदनामी को भी धो दिया है। हिमाचल की जीत से गुजरात में मिली जबरदस्त हार को कुछ हद तक संतुलित करने का बहाना भी मिला है। ऐसे में ये मुमकिन है कि प्रियंका गांधी की भूमिका और बढ़े।